दोस्तों धरना निरंतर चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर धरने पे जरूर आइए। बहुत जल्द हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और मैसेज का इंतजार करिएगा। आगे हम आपको दिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओके, काम सब करते हैं, मांग को मनाते हैं, सरकार अलग में था नहीं है, मांग को मनानी है, लेके अपना दे अधिकार, लेके अपना दे अधिकार। धरने में साथ आते हैं, काम सब करते हैं, मांग को मनाते हैं, कब सुनेगी सरकार अलग में था नहीं है, मांग को मनानी है, लेके अपना दे अधिकार, लेके अपना दे अधिकार। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी को ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अनमोल छुआ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मन छुआ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे करकी तो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे करकी तो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निशाना साई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निशाना साई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज में दो जोरों से, समित बचाओ चोरों से। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि धरना स्थल पे ये पत्थर पड़ रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी मतलब बारिश गरज रहे हैं और यहाँ पर पत्थर भी पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कहीं हमारे ऊपर न पड़ जाए। यहाँ पर काफी पत्थर देखिए, ये देख रहे होंगे पत्थर अभी पड़े हैं और अभी हम आपको और दिखाते हैं। बंदे और अभी बंदे बंदे, ये देखिए पत्थर है, ये बड़े बड़े पत्थर पड़ रहे हैं और अभी हम लोगों ने मतलब सर्दियां काट दिया, बरसात काट दिया, वो पत्थर रह गया था, पत्थर भी आ गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और बारिश होगी और हम लोग अपना जंग जरूर जीतेंगे। और ये पत्थर रह गया था तो ये पत्थर भी देखे आ चुका है, आप देख सकते हैं। आप ये देखिए कि हम लोग हमेशा अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और मांगों को मनवाते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती हैं। निकलो घरों मकानों। ये देखिए पत्थर का रह गया था समय, तो पत्थर भी मिल गया और अब जो है हमारी मांगे भी बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। जैसा देख रहे होंगे बारिश बहुत भयंकर होने वाली है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आइए और अपना हक और अधिकार के लिए लड़िए और अपनी मांग को मनवाइए। धन्यवाद। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे पानी बरस रहा है। कर्मचारी एकता, नहीं डरेंगे हुड़की से, कर्मचारी एकता। हेलो, 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो। निकलो घरों मकानों से, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, बेसरकारी होश में आओ, एनपीएस की जांच हो, जांच हो, जांच हो। 800 करोड़ घोटाले की जांच हो, जांच हो, जांच हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कितनी भयंकर बारिश हो रही है और हम लोगों ने संघर्ष जारी रखा है और आपकी सफलता भी बहुत निश्चित है और आपके शासनादेश भी बहुत जल्द आएंगे। क्या है, हमने भी हट किया है कि हम यहाँ से उठेंगे, तो हमारा बैनर लगा है, हमें
स्वतंत्र नहीं शासन देश चाहिए, तो किसी भी परिस्थिति में हम अपना ये कार्यक्रम चलाएंगे और शासन प्रशासन सरकार को हम ये संदेश देंगे कि देखिए माननीय महोदय, हम लोग भीगते हुए भी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अगर बैठे हैं कि वास्तविक में हम यहाँ पे पीड़ित हैं, हमारे दुख दर्द को सुना जाए। इसी कड़ी में मैं विजेंद्र पाल जी को बुलाना चाहता हूँ, वो हम समस्त कर्मचारी भाइयों का उत्साह वर्धन करें, उनके लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। देख रहे होंगे वो लोग गिर रहे हैं, हाथ में गिर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग संघर्ष जारी है और हाथ में वो लेकर आपको हम दिखाते हैं, फूलों की बारिश हो रही है, काफी मात्रा में कर्मचारी है हमारे इस आंदोलनकारी मंच में धरने में आकर अपना वो हौसला दिखाया है। और मैं उन माता बहनों को भी सराहना करता हूं उनकी, कि भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, कि भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया और रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। और दिल से नमन करता हूं आपके आगमन को हमारे धरने में, के इस आंगन में आपने हमारे धरने के इस आंगन को मालामाल कर दिया। साथियों चलते हैं अब उन मेन बातों पर। साथियों जिसके लिए हम और आप रोज इस धरने में आते हैं, तो साथियों आज 77 दिन हो गए हैं। अभी हमारे पास जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सोमवार तक गोयल साहब से हमारी वार्ता करा दीजिए, वरना 4 तारीख के बाद हमारा जो डिसीजन होगा वो कुछ और होगा, हमारा जो सोच होगी वो हम बदलेंगे, हम यहाँ चुपचाप धरने पर नहीं बैठेंगे। तो साथियों मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी अपनी सोच को बदलो। जो साथी मन में कुछ संकोच कर भी रहे हो तो उनसे कहना चाहूंगा कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, अरे नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, किश्तियां बदलने को कौन कहता है। साथियों अगर दिशाएं बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं। साथियों तो इसलिए अपने अंदर मरे हुए जो आपका जुनून है उसको जगाओ, अपने सोचने की तरीका बदलो। अब हमें जो तरकीब अपनानी है उसी तरकीब से काम चलेगा। साथियों यहां धरने पर बैठे रहने से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो इसलिए साथियों आप लोग जानते हैं कि यह धरना हमारा चल रहा है, यहां की कामयाबी के बाद भी यहां से खाली गए तो भी और कामयाब होकर गए तब भी जो हमारे अधिकारी हैं वो हमको प्रताड़ित करने की कोशिश पूरी से पूरी करेंगे। साथियों लेकिन आप मैं बताना चाहूंगा उन साथियों के लिए कि जो किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं उपस्थित है वो सुन ले कि धरने में आने से ही नहीं ना होगे तब भी वो आप पर जुल्म ढाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा वादा है कि हम उन वो लड़ाई अपनी जो अपने हक के लिए हम यहां लड़ रहे हैं वो लड़ाई हमारी ऑफिस में भी जारी रहेगी। साथियों हम उनको बता देंगे और इस तरीके से कि जेब में सिक्के नहीं तो जेब में सिक्के नहीं पर कीमत ईमान की रखता हूं और इंसान हूं साहब, फितरत इंसान की रखता हूं, महले दो महले वालों से कोई शिकायत नहीं, यानी कि एलडीए
और ये दुनिया भर की ये जो इनके महल बने हुए हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। मैं तो अपनी कुटिया में ऊंची पगड़ी किसान की रखता हूं साथियों। इस तरीके से मैं उनको उनकी अहमियत अपने हिसाब से उनको दिखाऊंगा, उनको झुकाऊंगा कि बहुत आए हमको झुकाने के लिए, बहुत आए हमको झुकाने के लिए हम वो नहीं, बहुत आए हमको झुकाने वाले हम वो नहीं जो उनके हाथ आने वाले अरे खुद मिट गए, हमको मिटाने वाले अरे हमसे उलझोगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा, लेकिन हम तुम्हारा बहाल करेंगे, हम तुम्हारा बहाल करेंगे कि खुद डर जाएंगे तुमको उठाने वाले साथियों। अगर मेरे किसी कर्मचारी का बाल बांका करने की कोशिश की तो तुम्हारा बहाल करेंगे कि तुमको उठाने वाले भी डर जाएंगे, सोचेंगे 100 बार। तो इसलिए धरने का हमारे अंजाम जो भी हो उसके बाद भी हमारी ये जंग बराबर जारी रहेगी, हम अपने किसी भाई पर कोई भी जुल्म नहीं होने देंगे साथियों, ये हमारा वादा है। तब भी हम लोगों का धरना जारी है और उधर पल्ली ओढ़ के बैठे हुए हैं, देख रहे होंगे बारिश कितना भयंकर हो रही है और परीक्षा ईश्वर भी ले रहा है। जिस कड़ी में हम लोग अक्सर नीचे की पल्ली ऊपर से तान के नीचे बैठते हैं, खैर कर ले ईश्वर को भी जो करना है, जितनी परीक्षाएं लेनी है ले लें, लेकिन हमारी मांगे अवश्य पूरी कराएं, क्योंकि हम जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कष्ट झेल रहे हैं, उन कष्टों का निराकरण हमारी मांगे जिस दिन पूरी हो जाएंगी उस दिन यह सारा कष्ट हमको भूल जाएगा। थोड़ा आवाज लगा दीजिए अब, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। साथियों अभी आप जाएंगे नहीं, हम चाहते 800 करोड़।